लगातार बने हुए भी है और ऐसे में पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह के मतदान करने के बाद हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहना है ये आप सुनिए। आदमपुर के उपचुनाव का आज मतदान का दिन है और तमाम मतदाता जो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं सुबह से ही जो है वो कतारें देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र सिंह हैं जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, वोट कास्ट करके आप आए हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस पूरे चुनाव से? जबरदस्त उम्मीदें हैं, व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है, वोट डाला है बेटा, व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है और युवाओं ने बीड़ा उठाया है, बुजुर्गों को महिलाओं को लाने का काम कर रहे हैं। वोट ज्यादा से ज्यादा मतदान हो हमारी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, बाबा साहब के जो सपने थे मताधिकार का उसका ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करें ताकि आने वाले समय में बेहतर व्यवस्था परिवर्तन, बेहतर सरकार, पारदर्शी सरकार, जवाबदेही वाली सरकार तय हो सके। कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके जो नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गेटवे ऑफ हरियाणा है, 2024 के लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है इस चुनाव। देखिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, गेटवे ऑफ हरियाणा है और आने वाले समय में देखिए यही व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता खुलेगा, यहीं से व्यवस्था परिवर्तन शुरू होगी, यहीं से एक नया रास्ता जहां पर शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की बात होगी, यही वो जगह है, यही वो समय है, यही वो पल है जहां पर आज तक धर्म पर जातिगत राजनीति होती रही, धर्म की राजनीति होती रही, पहली बारी लोगों ने मन बनाया है कि मुद्दों पे एक बात करेंगे, स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, इन सब पे बात करने का काम करेंगे। ये मन भजनलाल परिवार लगातार जीत हासिल करता रहा, गढ़ बता रहे हैं वो अपना, कांग्रेस भी कह रही है कि गढ़ है उनका, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने आप को कहां देख रही है जो जीत का दावा है? देखिए वो एक क्षेत्र को गढ़ मानते हैं, हम ये मानते हैं कि गढ़ तो 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने खत्म कर दिए थे, ये सुनिश्चित किया था जिस दिन हम गणतंत्र बने, संविधान लागू हुआ उस दिन ये तय कर दिया था कि राजा पेट से पैदा नहीं होगा, राजा लोहे के बक्से से होगा, आज राजा ईवीएम से पैदा होगा। ये वही ईवीएम का त्यौहार है, यहाँ पर वही ईवीएम का त्यौहार मनाया जा रहा है जहाँ पर राजा पैदा होंगे हम। कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि बाकी जितने भी दल हैं उनकी जमानत बच जाए तो वही गनीमत। देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करें, 75 पार की बात करते थे आज कहाँ है देख लीजिए, उनके सहयोगी दल जेजेपी की बात करिए, यमुना पार की बात करते थे आज कहाँ है देख लीजिए, और कांग्रेस का प्रत्याशी कहाँ है मैं तो ढूंढ रहा हूँ, कांग्रेस का प्रत्याशी कहाँ है आपको मिले तो बताना, वो कह मैंने सुनने में आया वो तो कलायत चला गया, कह के ये गया वहां जिला परिषद की वोट डालने जा रहा हूँ, पर भाग गया वो, उसको पता लग गया कुछ भी नहीं बचा है। मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी इस चुनाव में थी, दूसरी तरफ साख है, गढ़ है, तमाम बाकी सारी चीजें थी, तो बदलाव की जो बात कर रहे हैं किस तरह के बदलाव देखते हैं अगर यहाँ की जनता जिताती है आम आदमी पार्टी को सत्येंद्र सिंह? देखिए पहला तो यहाँ का अगर नेतृत्व का अभाव इस इलाके ने बहुत लंबे समय से अपने आप में महसूस किया है, इस समय जरूरत है यहाँ पर नेता रहे, नेता साथ रहेगा, विकास की बात करेगा, काम के लिए कहना नहीं पड़ेगा, मिलने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, जब आप वहाँ उपस्थित रहते हैं तो विकास कार्यों की बात खुद समय समझ सकते हैं। दूसरी चीज नशे का जो बढ़ता प्रकोप है, युवा पीढ़ी जो है वो नशे में जकड़ी जा रही है, धीरे धीरे नशे का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर बहुत जरूरी है प्रभाव करना, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करना जरूरी है। तीसरी जो चीज है यहाँ पर शिक्षा की और स्वास्थ्य की, मूलभूत सुविधाओं की जो बात है उनके ऊपर मुद्दा ध्यान रहेगा, रोजगार के मामले में बहुत पिछड़ चुका है ये इलाका, फैक्ट्रियां इंडस्ट्री पलायन कर रही है यहाँ से, उसको किस तरीके से रोका जा सकता है ये मुख्य मुद्दा भी रहेगा। आप वोट कास्ट करके आए, बाकी बूथ पर गए हैं, किस तरह का जोश दिख रहा है मतदान है जी, किस तरह का जोश दिख रहा है? जोश जबरदस्त है, उत्साह है, आप ये देखिए इतना थोड़े समय में, अभी मेरे ख्याल में 10 बजे हैं और अमूमन मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा नहीं, आंकड़े नहीं है मेरे पास, अंदाजा मैं ये लगा रहा हूँ कि 30% से अधिक मतदान हो चुका होगा, जो ये जोश है, जो उमंग है, ये कहीं ना कहीं बदलाव की, व्यवस्था परिवर्तन की परिचायक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह, तो दावा सत्येंद्र सिंह की तरफ से भी है कि आम आदमी पार्टी एक बड़ा बदलाव जो है इस चुनाव के जरिए ना केवल आदमपुर में लेकर आएगी बल्कि हरियाणा में भी लेकर आएगी, और आज मतदान का दिन है, तमाम जो दल जो दमखम दिखा रहे थे कहीं ना कहीं साख की लड़ाई, चुनौतियाँ हैं, तमाम दल चाहते हैं कि यहाँ से जीत हासिल करें और 2024 की जो एक बड़ी दावेदारी है उसको पेश किया जाए, क्योंकि ये चुनाव 2024 की सत्ता पाने की